नमस्कार, आदाब। फर्स्ट ड्राफ्ट के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में हिंदुस्तान में दो बड़े ट्रेजेडीज, दो बड़े हादसे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का देहांत हुआ है, जिसकी मॉर्निंग में अभी भी इंडिया पूरी तरह से शामिल है, और दूसरा केरला में बाढ़ आई है जहां पे 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और पूरा देश उसको भी लेकर काफी ज्यादा गमगीन है। लेकिन बावजूद इसके कुछ डेवलपमेंट हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रही है, जिसको लेकर हिंदुस्तान में काफी हद तक दिलचस्पी सियासी सर्कल्स में, मीडिया में, एकेडेमिया में, सिविल सोसाइटी में, हर जगह नई नई बातें अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक क्रिकेटर असेंशन ऑफ हिज असेंशन टू पावर, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इमरान खान, और इमरान खान के पाकिस्तान, इमरान खान साहब पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि वो एक नए पाकिस्तान की तामीर करने के लिए जा रहे हैं। तो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ किस तरह देखना चाहिए, इसकी अहमियत ऐसे भी बनती है कि वाजपेयी साहब अभी स्वर्गवास हुए हैं तो वो हमेशा कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। अब वो पाकिस्तान में मुशर्रफ का रूल हो वहां पे, नवाज शरीफ का हो, जरदारी का हो, या इमरान खान का हो, डील हमने उस पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से करनी है। तो नई लीडरशिप में हमारे लिए क्या सामने चीजें आती हैं, उसके ऊपर तबसरा करने के लिए मैं हाजिर हूं जफर चौधरी। इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगभग 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो इक्तदार में वहां पे आई है। 1996 में इमरान खान ने अपना सियासी सफर शुरू किया था। 1996 से मतलब ये हुआ कि अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के एग्जैक्टली 4 साल बाद, 22 साल की अनथक मेहनत के बाद वो अपनी पार्टी को इस पोजीशन में ला पाए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वहां पे, हालांकि पूरी अक्सरियत वहां पे उनको हासिल नहीं हुई है। दूसरी एक अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, जिसमें से पंजाब सबसे पॉपुलर सूबा है, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है पंजाब की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट वहां पे वो भी बन गई है। सो काफी एक मजबूत पोजीशन में वहां पे आ गए हैं। बातें इस सिलसिले में करने के लिए बहुत सारी हैं कि इमरान खान की बैकग्राउंड क्या है, इलेक्शन के दौरान जुडिशरी ने, फौज ने और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, डिसअरेड इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान के गवर्नेंस हायरार्की से बाहर भी जाकर जो काम करते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की किस तरह से मदद की, ऐसी बहुत सारी बातें हैं तबसरा की जो जिनमें अटेंशन की जरूरत है। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू फोकस प्राइमरली ऑन हिज एड्रेस टू द नेशन। कल रात को उन्होंने लगभग 45 मिनट का अपनी कौम के नाम एक टेलीवाइज्ड खिताब किया, कौम के साथ उन्होंने बात की, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मैंने सुनी सारी। पाकिस्तान के बारे में हमारा भी ये ख्याल है और दुनिया भर में भी ये किस किस्म की एक सोच है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ वेरी हार्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसकी कुछ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन सच सर्कमस्टांसेज दैट इट हैज टेकन 70 ईयर्स ऑफ देर हैव बीन मल्टी लेयर्ड मल्टीपल कन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी एट सेवरल लेवल, जिसके साथ पाकिस्तान डील करता आ रहा है। अब उसके लिए डील करने के लिए अगर आप कोई अपना नया फार्मूला पेश कर रहे हैं, अपना विजन पेश कर रहे हैं, तो आपको फिर बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत पड़ती है कि आप अमेरिका के साथ कैसे डील करेंगे, आप रशिया के साथ कैसे डील करेंगे, आप अपने इकोनॉमिक पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे। लेकिन जो इमरान खान ने अपने खुतबे में बात की है अपनी सोसाइटी के साथ, अपने नेशन के साथ, वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही बेसिक किस्म की बातें की हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जैसे एक ओरेशन होनी चाहिए वैसी हो, ऐसे लग रहा था कि जैसे एक महफिल में बहुत ही कंफर्टेबल होकर बात कर रहे हैं। ही हैज टच्ड अपॉन वेरी वेरी बेसिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ही टॉक्ड अबाउट सोशल सिक्योरिटी, ही टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, ही टॉक्ड अबाउट पुलिसिंग, एंड ही टॉक्ड अबाउट वेरी बेसिक इश्यूज विच ए सोसाइटी कन्फ्रंट्स ऑन द एवरीडे लेवल। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही संजीदा शुरुआत है और ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि आप बेसिकली उन बातों के साथ अपनी शुरुआत करें जिन चीजों को आप डील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब इमरान खान साहब की तकरीर खत्म हुई तो बड़े इमोशनल उन्होंने पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे उन्होंने शेयर किए, खास करके जब इमरान खान जब वो बोल रहे थे तो वो दो स्कैन लेकर आए थे अपने हाथ में, जिसमें एक स्कैन था जिसमें एक हेल्दी बच्चे का ब्रेन दिखाया था कि ब्रेन की डेवलपमेंट और ग्रोथ, एक वेल नरिश्ड वेल फेड बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, और एक ऐसे बच्चे का ब्रेन का स्कैन लेकर आए थे कि जो मेल नरिश्ड है, जिसको पूरा खाना नहीं मिल रहा है, जो कमजोर है
और जाहिर सी बात है कि वो मुतासर करता है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को। उन्होंने बताया कि ये जो दिमाग है, ये ब्रेन है, ये एक पाकिस्तानी बच्चे का, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे को पूरी गजा नहीं मिल रही है, उसको पूरी जो हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, और 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, जो स्कूल गोइंग एज में है, लेकिन जो पॉलिटिकल एलीट है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। उन्होंने जब कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की बात की, तो 1100 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, जिसमें 485 के करीब वहां पे मुलाजमीन है, 100 से ज्यादा वहां पे गाड़ियां हैं, जो मल्टी करोड़ गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि वो उसको, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको, वो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जो 485 लोग वहां पे काम करते हैं उनको वो सोशल सर्विसेज में कामों में लगा देंगे, गाड़ियों का ऑक्शन करके वहां से जो पैसा बचेगा उसको वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगा देंगे। ये अच्छी चीजें हैं, ये पॉपुलिस्ट मेजर बेशक ये जरूर हैं, लेकिन पीपल लाइक दीज थिंग्स बिकॉज दिस डज नॉट इंक्लूड। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर आ जाऊंगा, मर्सिडीज को लेकर आ जाऊंगा या बीएमडब्ल्यू को लेकर आ जाऊंगा। बरकर पुलिसिंग को इम्प्रूव करने की उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। ये सारी बातें करने के, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वो कैसे तब्दील करना चाहते हैं ये उसके लिए। और मेरा हमेशा ये मानना है कि एक बेहतर पाकिस्तान, एक मुस्बत पाकिस्तान, एक स्टेबल पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज मोर इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया देन इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के। हमें भी तो हक है कि हमारे पड़ोस में एक अच्छा पड़ोसी, स्टेबल पड़ोसी हो, और हम भी कहीं अपने घर अपने चैन के साथ बैठ सके। जो हमारे खासे इंटरेस्ट की बात है वो ये है कि व्हाट डिड इमरान खान से अबाउट रिलेशनशिप्स विद इंडिया, दैट इज नंबर वन, एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द मोस्ट कंटेंशियस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच इज कश्मीर। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद, ओथ लेने के बाद, अपनी कौम के नाम पहले खिताब में उन्होंने कश्मीर का मेंशन ही नहीं किया। ही डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ कश्मीर। उससे मुझे ये लगा कि शायद ये कश्मीर का मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने अमूर खारजा के किसी भी मामले के बारे में इन्होंने बात नहीं की, फॉरन अफेयर्स के बारे में इन्होंने किसी चीज के बारे में बात नहीं की, विच इज मोस्ट लाइकली अ रीजन कि कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी बात आएगी, अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करेंगे तो फिर दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कैसे डील करना चाहते हैं, शायद उसके ऊपर भी उनको रोशनी डालनी पड़ेगी, इसलिए अवॉइड किया होगा। लेकिन उन्होंने सारी अपनी एड्रेस में पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस के बारे में बात की, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में है या पाकिस्तान के कंट्रोल में है या ऑक्यूपेशन में है, मेरी मुराद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज ऑफिशियली नाउन देयर एज आजाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। ही डिड नॉट मेक एनी मेंशन अबाउट दीज टेरिटरीज इन हिज एड्रेस टू द नेशन, विच आई थिंक इज ए पॉजिटिव मैसेज टू इंडिया दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू प्रोवोक यू, आई डू नॉट वॉन्ट टू कमिट टू माई नेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट यू कश्मीर, I am trying to tell my nation that I am going to give you the social security, education, health care and other basic needs, which is perhaps a good departure from the past practice of Pakistani leaders. ये थी उनकी तकरीर। इस तकरीर के बाद जो है, जो कश्मीर के political leaders हैं और civil society के लोग हैं, दीगर लोग हैं, उनका बेशुमार इसके ऊपर रद्द अमल आ गया, खास करके जो कश्मीरी डायस्पोरा है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन किया, क्रिटिकली उन्होंने रिएक्ट किया कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के बारे में कोई रेफरेंस क्यों नहीं दिया, कोई मेंशन क्यों नहीं किया। एक साहब ने लिखा कि मुझे इमरान खान की तकरीर में से एक लेसन मिल गया है कि कश्मीरीज शुड लुक आफ्टर देयर अफेयर देमसेल्व्स, वी डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज मोर इन टू देयर अफेयर्स। ये था उनका खुतबा। रात गई, बात गई, सुबह इमरान खान साहब की जो काबीना है उसकी हलफबरदारी हुई, ओथ हुई, और शाह महमूद कुरैशी साहब इमर्ज हुए नए फॉरेन मिनिस्टर, न्यू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। शाह महमूद कुरैशी वही हैं जिन्होंने 2008 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बतौर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के साथ उन्होंने डील किया। कुरैशी साहब के दौरे वजारत खारजा में ही पोस्ट मुंबई 26/11
जो रिलेशनशिप्स रिज्यूम हुए थे वो कुरैशी साहब के ही वक्त में वहां पे हुए थे. सो अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है इंडिया के साथ डील करने का. सो कुरैशी मेड एन एलाबोरेट अकाउंट ऑफ हाउ पाकिस्तान वांट्स टू कंडक्ट इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स फॉरेन पॉलिसी. ही वाज अकंपनीड बाय फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ. उन्होंने यूएस से लेकर रशिया तक, चाइना तक, यूके, यूरोपियन कंट्रीज सबका उन्होंने जिक्र किया. फिर वो आगे असल मसले के ऊपर कि जहां पे पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप डेवलप होने चाहिए उसके बारे में उनका ख्याल है. उसमें सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब का. उन्होंने कहा कि ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग प्रेसिडेंट अशरफ गनी इन काबुल. वो जाने के लिए वहां पे बेकरार हैं. बल्कि अशरफ गनी साहब ने भी जब इमरान खान का जब पार्टी जीती है तो उन्होंने भी पैगाम दिया था कि वो भी उनके साथ डील करना चाहते हैं, और वहां से भी काफी अच्छी उनको इंडिकेशंस आ रही हैं. आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक लॉन्ग रनिंग कन्फ्लिक्ट वहां पे चल रहा है, और उसमें एक नया एक्सिस ये है कि इंडिया हैज ए ग्रेट डीप एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान विच हैज ऑलवेज बीन ए कॉज ऑफ डिफिकल्टी एंड कंसर्न फॉर पाकिस्तान. सो ही मेड ए वेरी वेरी मैसिव आउटरीच टूवर्ड्स अफगानिस्तान. उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए जा रहा हूं. इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पहला जिक्र उन्होंने अफगानिस्तान का किया और दूसरा जिक्र उन्होंने इंडिया का किया. जैसे अफगानिस्तान के सिलसिले में उन्होंने बात की प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्ट एंगेज करने के लिए, इंडिया में उन्होंने बड़ी मोहतात होकर बात की. उन्होंने कहा जी मेरा ये पैगाम है इंडिया के वजीर खारजा सुषमा स्वराज साहिबा से कि हम उनके साथ एक डायलॉग के रिजम्पशन की बात करना चाहते हैं. जो श्यामा महमूद कुरैशी साहब का इंडिया के बारे में जो मेंशन था उसमें दो तीन चीजें थी. उसमें मुझे लगता है कि कहीं दबी छुपी थोड़ी सारी एक वार्निंग भी थी, लेकिन एक रिएट्रेशन टू ए पीस प्रोसेस वो भी था. उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं, लेकिन ही मेड अ वेरी डेफिनेट एंड स्पेसिफिक मेंशन ऑफ कश्मीर. ही सेड लेट्स नॉट फॉरगेट, लेट्स एडमिट इट दैट कश्मीर इज एन इशू बिटवीन अस. और दूसरी चीज जो उन्होंने कही शाह महमूद कुरैशी साहब की, एक जो बड़ी चीज जो आप वो जानते होंगे कि वो जितने पोलाइट हैं बात करने में अपनी पॉलिसीज में वो इतने ही सख्तगीर हैं. ही आल्सो मेड ए मेंशन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू एटॉमिक पावर्स. और मैं कहता हूं कि जो बीच में थोड़ी सारी वार्निंग छुपी हुई थी उनके अल्फाज में वो ये थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास रिएक्शन का वक्त ही ना रहे कि हम सिचुएशन को संभाल कैसे पाए. लिहाजा ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास डायलॉग के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है. ऐसा पैगाम उन्होंने इंडिया को दिया. तो दिलचस्प सी एक उनकी वो बात चल रही थी, जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट की तो फॉरेन सेक्रेटरी ने उनको इशारा किया कि वो कान में कुछ कहना चाहती हैं. तो उन्होंने कान में पैगाम दिया कि कल रात को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक खत मौसूल हुआ है, जिसमें मोदी साहब ने एक डायलॉग के लिए, पेशरफ्त करने के लिए, डायलॉग के लिए, रिजम्पशन के लिए अपनी डिजायर एक्सप्रेस की है. मेरे ख्याल से दिस मेक्स यू नो ए वेरी गुड बिगनिंग, एक बहुत अच्छी शुरुआत का इंडिकेशन यहां से आ रही है, बहुत बेहतरीन चीज है. लेकिन कुल मिला के हासिल क्या है इसमें से, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो वहां पर अगर मैं अपनी राय रखूं तो हासिल इसमें से शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है. We have to always remember that India is in an election mode. National elections are due in a few months. The country is already into a political heat which is like facing elections. That is one. Second is that Prime Minister Imran Khan has yet to settle down in his office. So, ek summit level ke upar koi badi development India aur Pakistan ke beech honi is waqt mutawakko nahi hai. But the most important thing with which I would like to conclude today's episode is this. कि अब ख्वाहिश दोनों लीडर्स ने आपस में शेयर की है कि हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं. लेकिन पिछले 25-30 साल का जो हमारे पास तजुर्बा है वो ये है कि जो टेरर कार्टल्स हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, आउटफिट्स हैं, रेडिकल्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, दे स्टिल कंटिन्यू टू एंजॉय द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ derailing any process of peace and reconciliation between the two countries. Modi saab 2015 ke december mein lahore chale gaye to terrorists ne 15 din ke andar andar hamla kar diya pathankot air base ke upar, aur jiski wajah se jo halaat aaj tak wapas nahi sudhar sake hain. ab there is something india mein ek badi dominant yahan pe opinion chalti hai ki onus is entirely on pakistan. peace ho
ट्रेड हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, ये सारी चीजें हैं। जिम्मेवारी पाकिस्तान के ऊपर है, वो टेररिज्म को खत्म करे, हम सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। मैं इस चीज के साथ मुत्तफिक नहीं। मैं ये कहता हूं कि इंडिया इज अ वर्ल्ड पावर। इंडिया कैन नॉट कीप ऑन सफरिंग बाय शिफ्टिंग एंटायर ब्लेम ऑन पाकिस्तान। इंडिया कैन एक्चुअली रीच आउट टू हेल्प पाकिस्तान, और ताकि पाकिस्तान की मदद करके अपना मुस्तकबिल भी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी थोड़ा सारा सिक्योर करे और सही मानों में वर्ल्ड पावर होकर इमर्ज करे। टुडेज एपिसोड एंड्स एट दिस नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। अगर आपको शो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट्स में आप अपनी जो फीडबैक है वो हमें जरूर दें कि आइंदा आप किन बातों के ऊपर हमसे सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।